नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। दोस्तों आज मेरे पास एक नोकिया का सेट आया हुआ है जो डेड कंडीशन में है, ये ऑन नहीं हो रहा है। चलिए एक बार लो जो है आप लोगों को ऑन करके भी दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं पावर की दबाने पे ऑन नहीं हो रहा है। अब एक बार जो है इसमें हम चार्जर भी लगा के देखेंगे। चलिए ये चार्जर जो है इसमें लगा रहा हूँ और आप देख सकते हैं कुछ भी इंडिकेट नहीं कर रहा। अब इसको जो है हम ओपन करेंगे और ओपन करके देखेंगे कहाँ से प्रॉब्लम है। चलिए एक किसी हमारे टेक्नीशियन भाई ने दिया है तो शायद वो ओपन करके रखा था, तो देख सकते हैं हम। तो सबसे पहले हम एक बार बैटरी को चेक कर लेते हैं, बैटरी चार्ज है या नहीं है। तो देख सकते हैं बैटरी जो है 4 पॉइंट कुछ वोल्टेज चार्ज है। बैटरी जो चार्ज है, अब जो है हम एक बार जो है शॉर्टिंग चेक करेंगे। तो शॉर्टिंग चेक करने के लिए कंटिन्यूटी की रेंज में सेट करेंगे मीटर को और उसके बाद जो है हम बैटरी कनेक्टर पर शॉर्टिंग चेक करेंगे। ये मेरा प्लस हिस्सा है और ये माइनस है, तो एक बार जो है हम ऐसे चेक करेंगे। देखिए इधर जो है रीडिंग कितना आ रहा है, 403 आ रहा है। ऐसे चेक कर लेते हैं, ऐसे रीडिंग मेरा 600 आ रहा है। अब जो है एक बार हम जो है डीसी पे लगा के चेक करेंगे डीसी पे क्या रीडिंग आता है। तो चलिए अब डीसी केबल इसमें लगाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं जो है डीसी जब लगा रहा हूँ तो देख सकते हैं ऑटो रीडिंग ले रहा है, इसमें शॉर्टिंग बता रहा है, इस साइड से भी दिखा दे रहा है आप लोगों को। देख सकते हैं दोनों तरफ से शॉर्ट बता रहा है। और एक बार जो है और मीटर से मैं चेक करा देता हूँ, ये जो प्लस है ये वाला, इस पर आप देख सकते हैं 600 कुछ रीडिंग ले रहा है, मतलब यहाँ पर तो हाफ शॉर्टिंग बता रहा है। अब जो है हम इस पत्रे को निकालेंगे और इसके अंदर पावर आईसी और कन्वर्टर आईसी होगा तो देखेंगे कि शॉर्टिंग है कहाँ पर। तो इस बोर्ड को निकाल लेते हैं। तो देखिए बोर्ड को निकाल लिया मैंने, कैमरा को भी अलग कर देते हैं बोर्ड से। अब जो है इस पत्रे को हम निकालेंगे। चलिए निकालते हैं।
तो देख सकते हैं थोड़ा सा कंपोनेंट इधर से हिल गया है, इसको सही कर लेते हैं। तो चलिए ठंडा हो चुका है, अब जो है हम आप लोगों को चेक कराते हैं इस पर कि बोर्ड निकाल लेते हैं इसमें से। तो देखिए ये जो है ये मेरा जो है ये बैटरी कनेक्टर है, बैटरी कनेक्टर एक प्लस लाइन है। अब इस प्लस लाइन से जो है सप्लाई जो जाती है इस आईसी में जाती है, कन्वर्टर आईसी बोला जाता है इसको, चार्जिंग आईसी भी बोला जाता है, ठीक है। ये सप्लाई जो है इस आईसी में जाएगी। तो यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर जो शॉर्टिंग दिखा रहा है वो हाफ शॉर्टिंग दिखा रहा है, 645 दिखा रहा है यहाँ पर, मतलब ये हाफ शॉर्टिंग है। अब यहाँ से सप्लाई निकल के इस आईसी में बाकी सारे सेक्शनों में जाता है। तो इस आईसी यहाँ से जो है यहाँ पर देखिए ये लगा हुआ है और ये जो है बीपीएच लाइन का ये जो कॉइल है, अब जो है ये निकल करके सप्लाई सारे सेक्शन में जा रहा है। तो एक बार जो है इस कॉइल पर हम चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है फुल शॉर्ट बता रहा है, इस पर भी देख सकते हैं फुल शॉर्ट बता रहा है, ठीक है। अब जो है एक बार एक पावर आईसी के पास चेक करते हैं, देखिए ये भी कैपेसिटर जो है फुल शॉर्ट बता रहा है, ये मतलब ये भी फुल शॉर्ट बता रहा है, मतलब कि ये जो यहाँ से जो सप्लाई इस आईसी के बाद निकला है वो शॉर्ट है। अब वो शॉर्ट है तो कहाँ पे शॉर्ट है ये देखने के लिए हमको एक बार रोजिन पेस्ट लगाना होगा और उसके बाद जो है हम यहाँ पे सप्लाई देंगे, सप्लाई दे करके देखेंगे कि कहाँ पे मेरा जो है हीटिंग हो रहा है वो चीज़ शॉर्ट है। तो यहाँ पे भी मैं सप्लाई दे सकता हूँ, तो यहीं पे मैं आपको दे करके दिखा दूँगा। तो सबसे पहले हम रोजिन पेस्ट लगा लेते हैं। तो चलिए एक बार जो है सप्लाई देकर देखते हैं कि कौन सा पार्ट मेरा हीट हो रहा है। तो देखिए एक जो है मेरा ये माइनस है, तो इसको माइनस को मैं यहीं ग्राउंड कर देता हूं और एक जो है मैं इस पे दे देता हूं, यहां पे दे देता हूं। तो आप देख सकते हैं, जूम करके आप लोगों को दिखा दें, एक बार जो है और हम थोड़ा और मैं रोजिन लगा देता हूं। यहां पर मुझे हीटिंग महसूस हुआ एक कैपेसिटर का, चलिए। तो देख सकते हैं हम चाहे तो इस कॉइल पर भी दे सकते हैं, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे मैं यहाँ पे ही दे दे रहा हूँ क्योंकि ये लाइन भी बीपीएस लाइन ही है। तो देख सकते हैं ये वाला जो कॉइल है मेरा, ये वाला एक कैपेसिटर जो है मेरा ये हीट हो रहा है। तब ये हीट हो रहा है तो इसको जो है हम रिमूव करेंगे और रिमूव करके उसके बाद हम देखेंगे कि मेरा शॉर्टिंग जो है निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो इसको रिमूव कर लेते हैं हम। तो देखिए निकल चुका है। अब जो मेरा शॉर्ट बता रहा था ये अब आपको मीटर में दिखा देते हैं। तो देख सकते हैं कंटिन्यूटी की रेंज में सेट है और एक मैं ग्राउंड कर लेता हूं और एक जो है इस पर शॉर्ट बता रहा था। तो इस पर देखिए इस पर भी जो 600 आ रहा था अभी 1500 के लगभग में रीडिंग आने लगा और एक कॉइल जो है फुल शॉर्ट बता रहा था। तो इस पर देख सकते हैं इस पर भी 1300 लगभग रीडिंग आ रहा है, 1100-1300 रीडिंग इस पर भी आ रहा। अब जो है हम इसको चेक करेंगे बोर्ड में लगा करके कि सेट में ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए ऐसे आप किसी भी सेट का अगर शॉर्टिंग है तो आपको पता होना चाहिए कौन सी लाइन है वो, वहाँ पर कितना वोल्ट की सप्लाई हम दे सकते हैं। तो ऐसे दे करके आप सब जो है शॉर्टिंग निकाल सकते हैं।
डीसी से आपका शॉर्टिंग इजीली निकल जाता है, और कभी भी आप जो है कोई ज़्यादा सप्लाई मत दीजिए ताकि जो है सेट को नुकसान पहुँचे। तो देख सकते हैं सेट तो ऑन हो रहा है लेकिन बंद हो जा रहा है। एक बार जो हम चार्जर भी लगा के देख लेते हैं, तो देख सकते हैं सेट जो है मेरा अभी एंड्रॉयड का लोगो आ गया है। देख सकते हैं चार्ज भी है इसका, बैटरी का लगता है प्रॉब्लम है, इसकी वजह से जो है बंद हो गया है। अब एक बार चालू करते हैं, पूरा देखते हैं चालू होता कि नहीं। तो देखिए बैटरी का इसमें प्रॉब्लम है और ये बैटरी पे बंद हो जा रहा है। एक बार और कोशिश करते हैं। तो देखिए पूरा सेट जो है ऑन हो चुका है। तो ऐसे आप शॉर्टिंग निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर मेरे वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोगों की सपोर्ट की हमें सख्त ज़रूरत है। आप लोग सपोर्ट करते रहे तो हम आगे चल के और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे। तो धन्यवाद। वंदे मातरम।